गणित विषय के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप लोगों को गणित विषय के अंतर्गत अभाज्य संख्याएं पढ़ाऊंगी। इसका बच्चों एक दूसरा नाम रूढ़ संख्याएं भी है और इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। तो बच्चों आज हम लोग इसी पे पढ़ाई करेंगे, ठीक है बच्चों? तो बच्चों सबसे पहले हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं दो, दो बराबर एक गुणे दो, अर्थात दो के कितने गुणनखंड है? दो के गुणनखंड हुए गुणनखंड एक और दो हैं। दो बराबर एक गुणे दो, अर्थात दो के गुणनखंड एक और दो हैं। तो बच्चों इसी तरह तीन का देखते हैं, तीन बराबर एक गुणे तीन, अर्थात इसके कितने गुणनखंड हैं? इसके भी गुणनखंड कितने हैं? तीन के गुणनखंड कितने हुए बच्चों? तीन के गुणनखंड एक और तीन हुए, एक और तीन है, ठीक है। तो इसी तरह से बच्चों हम देखते हैं पांच के, पांच बराबर एक गुणे पांच, अर्थात इसके भी गुणनखंड कितने हुए? अर्थात पांच के गुणनखंड, ये आइजन लगा रहे हैं, मतलब यही बात है, मतलब जो ऊपर लिखा वही। तो पांच बराबर एक गुणे पांच, अर्थात पांच के गुणनखंड क्या हुए बच्चों? एक, एक और पांच। पांच के गुणनखंड भी कितने हुए? एक और पांच हैं। तो बच्चों हमने क्या देखा इसमें? हमने देखा कि एक जो है, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। एक क्या है? प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। आप लोग भी ध्यान से इसको देखिए, देखिए एक, देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, यहाँ। तो एक जो है वो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे पांच हो। तो बच्चों दो, तीन व पांच के केवल दो ही गुणनखंड हैं। क्या है? दो, तीन व पांच के केवल दो ही गुणनखंड हैं। आप लोग देख तो रहे हैं, केवल दो ही गुणनखंड हैं, दो ही गुणनखंड हैं। एक एक दो, इसका एक और तीन, इसका एक और पांच। तो बच्चों अभाज्य संख्याओं के केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। हमें ये बात गौर हमेशा करनी है कि जिनके दो गुणनखंड केवल होंगे वो संख्याएं क्या हैं? अभाज्य हैं। तो अभाज्य संख्याओं के केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आप एक बार फिर से ध्यान दे लीजिए कि अभाज्य संख्याओं के केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, दो ही गुणनखंड होते हैं बच्चों, इससे ज्यादा नहीं होते। इससे ज्यादा होंगे तो वे अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। जिन संख्याओं के केवल दो ही गुणनखंड होते हैं वही संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। और बच्चों इसमें गौर करने वाली बात यह है कि दो, दो जो है वो एकमात्र समभाज्य संख्या है। एकमात्र कौन सी संख्या है? सम अभाज्य संख्या, क्योंकि दो सम भी है
और अभाज्य भी है, इसलिए दो पे गौर करने वाली बात है। दो एक मात्र सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। बच्चों, उन संख्याओं को जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं वह संख्या हो, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण में बताया, एक तो इसका गुणनखंड एक है, जैसे दो का गुणनखंड एक और दो है, तो उन संख्याओं को जिनके केवल दो ही गुणनखंड हो, एक तो एक और एक वह खुद ही वह संख्या हो, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। या ऐसी संख्याएं जो केवल एक से और वह स्वयं से ही विभाजित हो, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, उम्मीद करती हूँ। आप लोग इस वीडियो को और कई बार देखिए और इसको समझिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।